हाय गाइस, एंड आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक धमाकेदार वीडियो की। बिल्कुल आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, बिल्कुल सही सुना आपने, एक धमाकेदार वीडियो की, जिसमें मैं आपके लिए वापस लेके आया हूँ कुछ नए क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये वीडियो देखना इसलिए आपको बनता है क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आपकी इंग्लिश में एक नई चीज़ आप ऐड कर सकते हो, नई कुछ नई नई चीज़ें जो होगी जो कि आपने पहले नहीं सीखी है वो आपको यहाँ पे आज सीखने को मिलने वाली है। तो ये चीज़ हम शुरुआत करने वाले हैं, जैसे कि हमारी CHSL की जो सीरीज चल रही है, क्वेश्चन सीरीज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। 80 क्वेश्चन अभी तक अप्रोक्स 80 क्वेश्चन हमने किए हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। अटेम्प्ट करना है आपको और देखना है कि नई नई चीज़ें हम क्या सीखते हैं इस वीडियो के थ्रू। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, तो ये जो सीरीज है CHSL की क्वेश्चन सीरीज है भैया, पहले बता दूं आपको CHSL की क्वेश्चन सीरीज है ना ये, देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आज का 81 क्वेश्चन होगा आज का जी। क्या लिखा है जी मैंने, द पार्ट, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ये पहला हुआ, दे ऑफर्ड वॉज ये सेकेंड पार्ट हुआ, वॉज रियल गुड, ठीक है ना, ये तीसरा पार्ट है और एनी मैंने लगाया यहां पर, ये चौथा पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट है जी, ये हो गया चौथा पार्ट, बन गया अपना चौथा पार्ट। अब आपको बताना है कि क्या मिस्टेक है इसमें, ठीक है जी, फटाफट बताएं जी। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके सामने, द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वॉज द रियल गुड। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, राइट फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, कहाँ पर या मैं कहूँ इस सेंटेंस में कहीं पर गलती नजर आ रही है आपको, द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वॉज रियल गुड या रियली गुड, क्या होना चाहिए, रियल गुड वॉज रियली गुड या फिर रियल गुड क्या होना चाहिए, दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं कुछ रूल्स नहीं होते, कुछ चीज़ें रीडिंग की भी होती है भैया, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। यहाँ पर रियली गुड जो होगा वो ज़्यादा सुटेबल होगा ना कि रियल गुड, ये एल है, क्या है जी, ये एल है, वॉज रियली गुड जो होगा वो ज़्यादा बेटर होगा इसकी जगह। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 81 क्वेश्चन हम फिनिश कर चुके हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो हम फिनिश कर चुके हैं, आपके सामने क्वेश्चन लिखा था मैंने और आप लोगों ने ट्राई भी किया है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन तुम्हारा फिनिश हो चुका है, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट लिखना स्टार्ट कर दें। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स लिखो, नेक्स्ट लिखो, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड, ये पहला पार्ट हो गया, यू सजेस्टेड इधर लिख देते हैं जी, यू सजेस्टेड ये सेकेंड पार्ट आर नॉट वर्थ सीइंग, ये तीसरा पार्ट है, एनी जो होगा वो हमारा कौन सा पार्ट होगा, चौथा पार्ट होगा, या डी पार्ट में कहूं चौथा पार्ट होगा। ओके, अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, फटाफट बताना है क्या एरर इसमें, बताओ भाई क्या एरर इसमें, एरर क्या है, ये क्वेश्चन जो लिखा है, जैसे मैंने लिखा है एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, पहली बात तो एक ये देखो कि ये वर्थ लगा रखा है, क्या लगा रखा है, ये वर्थ, ये ऐसा वर्ड है जिसके बाद में जीर्ण आता है, ये अपने साथ में जीर्ण लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले ये जो वर्ड है ना, जैसे एक वर्ड और बताऊं मैं आपको, ये बताऊं आपको, फील लाइक, ठीक है ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे वर्ड तो होते हैं, जैसे यूज्ड टू भी होता है, तो ये जो वर्ड्स अपने साथ में क्या फॉलो करते हैं, अपने साथ में, इनके साथ में हमेशा जीर्ण आता है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आर नॉट वर्थ सीइंग, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये जो एवरी वन ऑफ है ना, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें किसकी जगह, इसको हम डालें अगर ऑल की जगह, किसकी जगह डालें, इसकी जगह लिखे हम ऑल, तो फिर क्या हो जाएगा, राइट फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑल द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, ये जो होगा वो राइट फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ऑल पहले पार्ट में कौन से वाले पार्ट में एरर था, यहाँ पे पहले पार्ट में एरर था, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स की जगह आएगा ऑल ऑफ द फिल्म्स, जितनी सारी मूवी आपने सजेस्ट करी है वो सारी क्या है, देखने लायक नहीं है, सारी देखने लायक नहीं है, आर नॉट वर्थ सीइंग, तो ये समझ आया जी, ये तीन बातें ध्यान रखनी है, फील लाइक, लुकिंग फॉरवर्ड, यूज टू, इनके साथ में जीर्ण आता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये तो आपको आई थिंक समझ आ चुका है,
अगले क्वेश्चन को लिखते हैं, नोट भी किया करो साथ में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 83वां क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन मेरे पास है, फटाफट आप भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए जी। आई हैव ब्रीफली एक्सप्लेन, आई हैव ब्रीफली एक्सप्लेन हिम टू आंसर द क्वेश्चन। टू आंसर द क्वेश्चन, अब इसमें क्या दिक्कत है ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन आपके सामने, आई हैव ब्रीफली एक्सप्लेन, ये पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट आंसर वाला हो गया, सेकेंड पार्ट ये हुआ, तीसरा पार्ट एनी, चौथा पार्ट। बताओ भाई एरर क्या है, बताओ भाई एरर क्या है इसमें। आई हैव ब्रीफली एक्सप्लेन हिम टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान रखनी है, ये कुछ वर्ब्स होती है, जैसे एक्सप्लेन है, क्या है, एक एक्सप्लेन है, क्या है, यहाँ पे तो एक्सप्लेन है। आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि कुछ वर्ब्स होती है जिनके साथ में हम हाउ टू का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हाउ का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ वर्ब्स बता रहा हूँ यहाँ पर, देखो एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर एक्सप्लेन के बाद में, क्या है, एक्सप्लेन के बाद में एक तो ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक्सप्लेन के बाद में एक तो ऑब्जेक्ट है, तो कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एक्सप्लेन, आई हैव ब्रीफली एक्सप्लेन हिम, एक्सप्लेन किया तो किसको एक्सप्लेन किया, तो ऑब्जेक्ट मिल गया हमें कि उसको एक्सप्लेन किया, किसी लड़के की बात हो रही है, ये किसी मेल की बात हो रही है, नहीं एक्सप्लेन हिम ये मिला। उसके बाद में अगर इन्फिनिटिव आता है, क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है, जैसे टू आंसर, टू प्लस वर्ब है आंसर। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हाउ का यूज करना पड़ेगा। तो सही फॉर्मेशन क्या होगा इसका, आई हैव ब्रीफली एक्सप्लेन हिम हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आना चाहिए हाउ, क्या आना चाहिए, हाउ। तो ये चीज़ थी, लेकिन रूल है आपको लिखवा रहा हूँ मैं, लिख लीजिए फटाफट फटाफट रूल लिख लो ये कि डिसाइड, रूल है भैया ना, ये रूल है आपको ध्यान रखना है। डिसाइड की बात हो, डिस्कवर, ठीक है ना, ऑब्जर्व, ठीक है ना, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन तो हमने अभी पढ़ाई है भैया, एक्सप्लेन की हमने बात ही करी है, वही मैन वर्ब है। टीच, नो, कैन ओ डब्ल्यू लिखा है, क्या लिखा है जी, ये लिखा है डिस्कवर और ये लिखा है नो, लर्न, ऑब्जर्व लिख चुका है आप, डिसाइड, डिस्कवर, ऑब्जर्व, फॉरगेट, ठीक है ना, फॉरगेट हो चुका है, लर्न हो चुका है, नो भी हो चुका है, टीच, टीच भी लिख लिया है जी आपने, शो और एक्सप्लेन, शो भी लिख लिया है, ठीक है ना, और एक और वर्ड है एक्सप्लेन आप लिख चुके हैं। तो ये जितने भी जो वर्ड हैं इनके साथ में आपको क्या लगाना है भैया, इनके साथ में आपको लगाना है हाउ, क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर हाउ आएगा, ठीक है ना, इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हाउ, ठीक है ना। और यहां पर क्या आएगा, फिर इन्फिनिटिव आएगा, यहां पर फिर आएगा इन्फिनिटिव। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन समझ आया, ठीक है ना। बस यही आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये वर्ब्स आ जाए, अगर ये वर्ब्स आती है इनके बाद में जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे यहां पर हिम है, उसके बाद में आपको हाउ का यूज करना है, उसके बाद फिर इन्फिनिटिव का यूज करना है। तो फॉर्मेशन से क्या हो जाएगा, आई हैव ब्रीफली एक्सप्लेन हिम हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है जी। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 क्वेश्चन तो हो चुके हैं हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ना, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, 84th क्वेश्चन, क्या लिखा मैंने, द स्वीट्स, क्या लिखा है, द स्वीट्स वर शेयर्ड, ये होगा हमारा पहला पार्ट, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, बिटवीन अवर गर्ल्स, बिटवीन अवर गर्ल्स, ठीक है, ये तीसरा पार्ट हो गया और ये चौथा पार्ट हो गया। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है मैंने, अब बताना है आपको क्या दिक्कत है, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन अवर गर्ल्स, अब यहाँ पर क्या दिक्कत है बताओ, एक बात ध्यान से सुनो, ये गर्ल्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गर्ल्स की। तो यहाँ पर जो चीज, ये जो चीज़ है, द गर्ल्स, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन नहीं आना चाहिए, बिटवीन की जगह अमंग आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अमंग, ठीक है ना, क्योंकि बिटवीन जो लगाते हैं वो दो के लिए लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, बिटवीन,
लिख लो ये रूल, ये लगाते हैं आप दो के लिए, किसके लिए, दो के लिए। और अमंग कब लगाते हैं आप, मोर देन टू के लिए अमंग लगाते हैं, मोर देन टू के लिए, ठीक है ना, मोर देन टू के लिए आप क्या लगाते हैं, अमंग लगाते हैं, ये चीज का ध्यान रखिए। और यहाँ पर गर्ल्स की बात हो रही है तो गर्ल्स यहाँ पर दो की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे मोर देन टू की बात हो रही है, इसलिए अमंग जो होगा वो ज्यादा सुटेबल होगा। तो पार्ट कौन से वाले पार्ट में एरर थे भैया, एरर था यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं वापिस। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आया है, ये सीरीज अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करके भाई बता दें कि भाई समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बिसाइड फूड बिसाइड फूड क्या लिखा है, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स द पिलग्रिम्स ये होगा हाँ पिलग्रिम्स कैरिड, ये हमारा सेकेंड पार्ट, सब मेडिसिन ये तीसरा पार्ट है, और लास्ट में है एनी, ये चौथा पार्ट हो गया। ओके, अब आपको बताना है क्या एरर क्या है इसमें। हाँ, ये 85 क्वेश्चंस हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, 85 क्वेश्चन हो गए, फटाफट बताएं, बिसाइड फूड द पिलग्रिम कैरिड सम मेडिसिन, क्या दिक्कत है इसमें। अब देखो पिलग्रिम क्या होता है, पहले भी समझ लो, पिलग्रिम ही नहीं होता है, तीर्थ यात्री जो होते हैं ना उसे आप कहते हो, क्या कहते हो, तीर्थ यात्री जो होते हैं, तीर्थ यात्री को आप पिलग्रिम कहते हो, ठीक है ना। मेडिसिन से दवाइयाँ होता है, क्या होता है, मेडिसिन से दवाइयाँ होती है, आपको पता होगा, कैरिड यानी लाना, क्या होता है, लाना, ठीक है ना, कैरी करना, साथ रखना या फिर लाना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, बिसाइड फूड, अब ये बिसाइड जो है यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, बिसाइड इसलिए है क्योंकि मतलब ये हो रहा है इसका, बिसाइड ये जो लिखा है ना इसका मतलब होता है पास में, ठीक है ना, लेकिन मैं अगर जैसे बिसाइड्स कर दूँ, क्या कर दूँ, बिसाइड्स जैसे ही मैंने किया तो इसका मतलब होता है के अलावा, क्या मतलब होता है इसका, के अलावा। और जब ये चीज ध्यान में, जैसे मैंने लिखा है बिसाइड्स के अलावा, तो फूड के अलावा यानी खाने के अलावा पिलग्रिम से जो तीर्थ यात्री थे उन्होंने क्या किया, कैरी किया अपने साथ सब मेडिसिन, उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी ली खाने के साथ में, मतलब जो भोजन उन्होंने अपने साथ में लिया है, जो आप कर, जैसे मान लीजिए आप यात्रा पे जाते हैं तो अपने साथ में भोजन लेके जाते हैं, अपने साथ में वाटर बॉटल, जो भी आपको नेसेसरी आपकी जो चीज़ें हैं पर्सनल वो आप लेके जाते हैं ना, तो उसी साथ वही वैसा ही सेंटेंस है यहाँ पर कि फूड के अलावा जो तीर्थ यात्री थे वो अपने साथ में क्या लेके गए, मेडिसिन भी लेके गए, दवाइयाँ भी वो लेके गए, जिसका मतलब हुआ, तो ये जो होगा वो राइट फॉर्मेशन होगा। ये जो बिसाइड लिखा है ना इसका मतलब ये होता है, बिसाइड ही नहीं होता है, बगल में या फिर पास में, क्या मतलब होता है इसका, ठीक है ना, बगल में या पास में, ये वाला बिसाइड अलग है, ठीक है, तो ये बिसाइड और इसमें दोनों में फर्क है, डिफरेंस छोटा सा, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो था, आज हमने डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस किए हैं, और इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आने वाला हूँ मैं इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल, ठीक है ना। तो वापस फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, एंड फाइनली थैंक यू सो मच।